वैष्णो देवी माता त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजमान है। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां पर दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। भक्त श्रद्धा से माता से जो भी मांगते हैं माता उसकी झोली दुगनी भर देती है। यहां से कोई भी भक्त निराश होकर नहीं लौटता। वहीं यदि आप सपने में वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए या वैष्णो देवी माता के दर्शन करते हैं तो यह कैसा सपना होता है, ऐसा सपना आने पर माता क्या संकेत करती है, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल फॉर यू फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई जानकारी के वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों यदि आप सपने में वैष्णो देवी की यात्रा देखते हैं या वैष्णो देवी में माता के दर्शन करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे सपना देखने का मतलब है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं तथा माता की आप पर कृपा हुई है और यह आपके जीवन में कुछ बदलाव व आध्यात्मिकता को भी दिखाता है। इस तरह के सपने हर किसी को नहीं आते। यदि आप माता के भक्त हैं और आप ऐसा सपना देखते हैं और आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए सपना देखते हैं तो यह बताता है कि माता आपसे बहुत खुश हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वहीं मनोवैज्ञानिक रूप से सपने में वैष्णो देवी माता के दर्शन करना या वैष्णो देवी यात्रा करना यह बताता है दुखी अवस्था में या तनाव पूर्ण होने पर हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। इसी कारण हमें सपने में इस मंदिर से इस तरह के सपने आते हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि यदि आपकी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने की तीव्र इच्छा रखते हुए आप सोते हैं तब भी आपको इस तरह के सपने आते हैं। वही स्वप्न शास्त्र में ऐसा सपना आना सौभाग्य वृद्धि की ओर इशारा करता है। जीवन में चलने वाले परेशानियों का अंत होता है, साथ ही नई खुशियां भी प्राप्त होने के संकेत प्राप्त देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं तथा ओम जय साईं राम जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करें। जय साईं राम।